हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्याज के पकौड़े बनाने वाले हैं। बरसात का मौसम है तो प्याज के पकौड़े खाने का सबको मन करता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए चाहिए हमें बेसन, जो हमने 5 टेबल स्पून ले लिया है। और हमें चाहिए हल्दी 1 चम्मच, जो हमने इसमें डाल दी। टर्मरिक, और हमें चाहिए स्वाद के अनुसार नमक, जो हमने डाल दिया 1 चम्मच। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच और, जिससे हमारे प्याज के पकौड़े और भी टेस्टी बनेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अब इसमें अच्छी तरह से मिलाना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिला लेते हैं अभी ने। हमने इसे अच्छी तरह से इसमें मिला दिया, नमक और हल्दी अच्छे से मिल गए हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बैटर तैयार करेंगे। हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है ताकि हमारा बैटर और भी अच्छा बने, इसमें लम्प्स ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें बैटर अच्छे से तैयार कर लें। हमारा बैटर तैयार ही हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे, जो हमने पहले से काट के रखे थे। जैसा आपको पसंद हो, छोटे बड़े, वैसे आप काट लें और इसमें डाल दें। हमने इसमें प्याज के छोटे छोटे पीसेस मिला दिए, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे। जितना आपको तीखा पसंद हो उतना आप इसमें लाल मिर्च मिला लें पाउडर। अच्छे से मिला दिया हमने। हमने पैन पहले से चढ़ा दिया था, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में बनाने वाले हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसे चम्मच की सहायता से प्याज के पकौड़े डालेंगे इसमें, छोटे छोटे पीसेस। धीमी आंच में पकाना है इसे, ज़्यादा गर्म नहीं। देखिए हमारे पकौड़े बन रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। इसके साथ हमने टमाटर और हरी धनिया की चटनी बना के रखी थी, इसके साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। कितने लाजवाब दिख रहे हैं ना हमारे पकौड़े, कुरकुरे एंड टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बने हैं, क्रिस्पी भी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।